ग्रामीण परिवेश समुदाय विकास भूमि लेखपाल का एक मुख्य कार्य है पैमाइश मापन मेजरमेंट ऑफ लैंड टूल से मेजर करता है इकाई या क्षेत्रफल द्वारा मेजर किया भू मापने का यंत्र टूल ऑफ लैंड मेजरमेंट शाहजहानी जरीफ छोटी इकाई बड़ी इकाई भाग देकर प्राप्त किया जाता है। बड़ी इकाई छोटी इकाई में गुणा करके प्राप्त किया जाता है। लंबाई शाहजहानी जरीफ की 165 फीट ये फुट या फीट 165 या 55 गज होता है। 165 फीट या 55 गज होता है। शाहजहानी जरीफ की लंबाई इंच में 165 फीट या 165 × 12 1980 इंच होता है। 1980 इंच होता है। 1 फीट में 12 इंच होता है। 1 फीट में 12 इंच होता है। 190 इंच को 20 कड़ियों में डिवाइड करने पर 9.1 इंच पर एक यानी 120 गुणे इतना 9.1 इंच की दूरी पर एक कड़ी होगी। शाहजहानी जरीफ का प्रयोग उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में पक्का बीघा मापने हेतु किया जाता है। शाहजहानी जरीफ के 8 प्रकार होते हैं। 55 × 55 325 वर्ग गज 55 × 55 गज 165 फुट 980 इंच होता है। शाहजहानी जरीफ 55 गज 165 फुट 1980 इंच एरिया 30-35 वर्ग गज शाहजहानी जरीफ 180 इंच 165 फुट 55 गज 1 फीट बराबर इंच 12 इंच 1 गज बराबर 3 फुट 1 गज बराबर 3 फुट हो गया। गंटर्स जरीफ लेंथ 132 फुट होता है। फीट होता है 44 गज होता है या 1584 इंच होता है। 1 गज बराबर 3 फुट होता है। 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। परंतु वर्तमान में गंटर जरीफ की आदि का प्रयोग मानक तौर पर किया जाता है जिसकी लंबाई एक क्रिकेट पिच की लंबाई के बराबर होता है। क्रिकेट पिच की लंबाई एक चेन बराबर यानी हाफ गंटर जीव 44/2 22 गज और 22 गज और 66 फुट। हाफ गंटर जरीफ मानक गंटर जरीफ का प्रयोग भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में पता करने के लिए किया जाता है। 1 एकड़ बराबर 10 चैन का स्क्वायर 10 × 22 × 48 40 वर्ग गज 1 मीटर जरीब तीसरा 1 मीटर जरीब जिसकी लंबाई 20 मीटर होता है। उपयोग भूमि का क्षेत्रफल कड़ियाँ या छल्ले 100 होते हैं। हेक्टेयर में निकालने के लिए 1 कड़ी बराबर 20 × 100/100 एवं पर भूमि मापने का आम यंत्र यार्ड या गज 1 हाथ होता है। 1 हाथ बराबर 1/2 गज 0.5 यार्ड 1 हाथ बराबर 18 इंच होता है। 1 गज बराबर 36 फुट और 1 हाथ बराबर 18 इंच गट्ठा या लट्ठा कट्ठा 5/1/2 हाथ लेंथ 1 हाथ बराबर 1/2 गज 1/2 गज बराबर 1 इंच और देखो 2.7 एक गट्ठा बराबर 2.75 गज यानी 99 इंच क्या होगा यानी 99 इंच होगा। भूमि मापन या पैमाइश के मात्रक यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड लेंथ एरिया लेंथ में क्या है इंच चेन एमएम हाथ फुट फरलॉन्ग सेंटीमीटर कट्ठा गज मील डेसिमल डेसिम लट्ठा कट्ठा मीटर किलोमीटर क्षेत्रफल में कच्चा बीघा पक्का बीघा एकड़ हेक्टेयर एयर बिस्वा बिस्सा बिस्वांसी कचवांसी निवासी 1 जनवरी 1826 से पहले भारत में प्रचलित
लंबाई मापने के पैमाने, गजे सिकंदरी 39, गजे इलाही 41, गजे इलाही अकबर और गजे सिकंदरी सिकंदर लोधी ने खोजा था। एक जनवरी 1826 से 1 अक्टूबर 1958 सही मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। इंपीरियल यूनिट्स होता है, इंपीरियल यूनिट्स शाही मात्रक, लंबाई इंच फुट यार्ड आदि, क्षेत्रफल एकड़ और भार वेट औंस पाउंड, मैट्रिक या शाही यूनिट वर्तमान पद्धति, मीटर सेंटीमीटर एमएम आदि, मीटर स्क्वायर हेक्टेयर हो गया, ग्राम या केजी हो जाएगा। लोकल प्रॉपर्टी डीलर वर्गज स्क्वायर यार्ड, अथॉरिटी प्राधिकरण मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर स्क्वायर होगा। सरकारी दस्तावेजों में खेत का क्षेत्रफल हेक्टेयर में मेजर करते हैं। लंबाई के शाही मात्रक, इंपीरियल यूनिट ऑफ लेंथ, देखिए 3 बार्ले कॉर्न बराबर 1 इंच होता है और इंच बराबर 3 बार्ले कॉर्न होगा। 1 फिट बराबर होता है 12 इंच, 1 गज बराबर 3 फिट, एक चैन बराबर 22 गज, फॉरलॉन्ग बराबर 10 चैन, मील बराबर 8 फॉरलॉन्ग। TFYCFC आठ माइल बराबर 8 फॉरलॉन्ग होता है, 1 माइल बराबर 8 फॉरलॉन्ग हो जाएगा और 1 फॉरलॉन्ग बराबर 10 चैन हो जाएगा और 1 चैन बराबर हो जाएगा 22 यार्ड हो जाएगा और 1 यार्ड बराबर हो जाएगा 3 फिट हो जाएगा और 3 फिट बराबर हो जाएगा, 1 फिट बराबर हो जाएगा 12 इंच, 1 इंच, 1 फिट बराबर 12 इंच, 1 गज बराबर 3 फिट, 3 गुणे 12 36 इंच हो जाएगा, 1 चैन बराबर 22 गज, 22 गुणे 3 गुणे 12 792 इंच हो जाएगा, 1 फरलांग बराबर 10 चैन, 10 गुणे 22 गज 660 फुट या 792.0 इंच हो जाएगा। 1 माइल बराबर 8 फरलांग यानी 80 चैन हो जाएगा यानी 1760 गज हो जाएगा, 5280 फुट। मैट्रिक यूनिट SI यूनिट ऑफ द लेंथ, लंबाई के मैट्रिक मात्रक, बेसिक यूनिट ऑफ आधार या मूलभूत इकाई मीटर पर मीटर, 1 किलोमीटर 10^3 हो जाएगा, 1 हेक्टोमीटर पर 10^2 हो जाएगा, 1 डेसीमीटर पर 10^1 हो जाएगा। एक डेसीमीटर 10^-1 हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 10^-2 हो जाएगा और 1 mm 10^-3 हो जाएगा। डेसीमीटर 10 mm हो जाएगा, हेक्टोमीटर 100 mm हो जाएगा, 1 किलोमीटर 1000 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर पर 10 डेसीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर पर 10^-2 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10 mm, 1 mm बराबर 1.5 मीटर, 1 किलोमीटर पर 10,000 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर पर 10,000 सेंटीमीटर। शाही मात्रकों को मैट्रिक मात्रकों में बदलना, शाही मात्रकों को मैट्रिक मात्रकों में, 1 इंच को मीटर और सेंटीमीटर में बदलना 1 इंच को, तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर पर 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 गुणा इतना 2.5 इंच हो जाएगा, यानी 1 मीटर बराबर 39.3701 इंच हो जाएगा, 39.3701 इंच हो जाएगा। फुट को मीटर सेंटीमीटर में बदलना, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, 12 गुणे 2.54 सेंटीमीटर यानी 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर, 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर,
एक फुट बराबर 30.84 सेंटीमीटर, 308 सेंटीमीटर, यानी एक फुट बराबर 0.3048 मीटर हो जाएगा, 0.3048 मीटर हो जाएगा। एक फुट बराबर 12 इंच, एक इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, एक गज यार्ड को मीटर सेंटीमीटर में बदला है। एक गज बराबर 3 फुट होता है, 3 × 30.48 सेंटीमीटर, यानी एक गज बराबर 91.44 सेंटीमीटर। एक गज बराबर 0.9144 मीटर हो जाएगा। एक गज बराबर 3 फुट, 1 फुट बराबर 34.48, 1 मीटर बराबर 1.0989 गज, 1 गज बराबर 0.9144 मीटर हो गया। क्षेत्रफल के मात्रक यूनिट ऑफ एरिया गज गुड़े गज वर्ग गज हो जाएगा, इंच गुड़े इंच इंच वर्ग इंच हो जाएगा, यार्ड गुड़े यार्ड वर्ग यार्ड हो जाएगा। भुजा की लंबाई एवं चौड़ाई सेम ऑब्जर्व फील्ड खेत का आकार आयताकार यार रेक्टेंगुलर, खेत का आकार आयताकार रेक्टेंगुलर, शेप ऑफ द फील्ड एरिया क्षेत्रफल एल गुड़े बी एम एम गुड़े एम 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 स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल के मात्रक यूनिट खसरों में मैट्रिक मात्रक रहता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। शाही मात्रक 1 एकड़ बराबर 10 चैन स्क्वायर, 10 × 22 × 48 वर्ग गज हो जाएगा 1 एकड़ में। अन्य मात्रक यूपी में एक उन्वांशी यू कचवांशी के बिस्वा बी बिस्सा बी आई कच्चा बीघा के बी पक्का बीघा उत्तर प्रदेश भूमि मापन के मात्रक में बड़े से छोटा क्रम 55 यार्ड, एरिया 32-25 वर्ग, 1 पक्का बीघा 39,000, 392,400 वर्ग इंच, 1 पक्का बीघा 55 × 55 यानी 30-25 वर्ग गज होगा, और इंच में हो जाएगा 39,000, 392,400 वर्ग इंच। 1 पक्का बीघा बराबर 25 29.285 मीटर स्क्वायर, 1 पक्का बीघा बराबर 20 बिस्सा, 1 कच्चा बीघा बराबर 6 सही 2/3 बिस्सा, 1 कच्चा बीघा बराबर पक्का बीघा, 1 कच्चा बीघा 30 × 25 वर्ग गज, 1 कच्चा बीमा 1,800 वर्ग गज, वर्ग गज व 3 वर्ग फुट, 1 कुनवासी बराबर 20 कचवांसी या 20 कचवांसी बराबर 20 बिस्वांसी या 20 बिस्वांसी बराबर 20 बिस्सा, और 20 बिस्सा बराबर 20 बिस्सा, 1 बिस्सा 1 बिस्सा है, 15 × 125 वर्ग गज हो गया, 154.25 वर्ग गज हो गया। पहले सबसे छोटा उन्वासी होता है, सबसे उसके बाद कच्चवासी, फिर बिस्वासी, फिर बिस्सा, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, 1 पक्का बीघा 20 बिस्सा बराबर 1 पक्का बीघा, 20 उन्वासी बराबर 1 कचवांसी, और 20 कचवांसी बराबर 1 बिस्वांसी, और 20 बिस्वांसी बराबर 1 बिस्सा, और 20 बिस्सा बराबर 1 पक्का
पक्का बीघा। हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 हेक्टेयर और 3.95 पक्का बीघा। 1 हेक्टेयर और 2.47 एकड़, 25-29 मीटर स्क्वायर, इतना 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 पक्का बीघा और 5/8 एकड़, 1 पक्का बीघा और 5/8 एकड़। शाहजहानी जरीब का उपयोग किया जाता है भूमि मापन के लिए। शाहजहानी जरीब की लंबाई होती है 165 फीट 55 गज 1980 इंच। सभी 1 गज बराबर होता है 3 फुट के बराबर। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच के बराबर। शाहजहानी जरीब है लोहे की कड़ियाँ जड़ित बांस। शाहजहानी जरीब की कड़ियों में विभाजित किया जाता है 200 कड़ियों में। शाहजहानी जरीब की 200 कड़ियों की मध्य दूरी होती है 9.9 इंच। शाहजहानी जरीब के सामान्यतः प्रकार होते हैं 8। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में शाहजहानी जरीब का उपयोग पक्का बीघा मापने में किया जाता है। 1 पक्का बीघा वर्ग गज के बराबर होगा 30-25 वर्ग गज के बराबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी। गज से फुट में परिवर्तित करने के लिए 3 से गुणा करते हैं और फुट से इंच में परिवर्तित करने के लिए 12 से गुणा करते हैं। इंच से फुट में परिवर्तित करने के लिए गोटा 12 से गुणा करना। उपरोक्त सभी। गंटरी जरीब के आविष्कारक माने जाते हैं एडमंड गंटर। गंटरी जरीब की लंबाई 132 फीट या 44 गज या 1584 सेमी। वर्तमान के मानक तौर पर किस गंटर जरीब का प्रयोग किया जाता है? सभी हाफ गंटर जरीब या चैन। 22 गज या 1 क्रिकेट पिच की लंबाई 66 फुट। 1 चैन बराबर होता है 22 गज। हाफ गंटर जरीब या मानक गंटर जरीब का उपयोग किया जाता है एकड़ में भूमि मापने के लिए। 1 एकड़ बराबर होता है 10 चैन के या 48-40 वर्ग गज। ऊपर दोनों गंटर जरीब में कड़ियों की संख्या 100 है। मीटर जरीब की लंबाई होती है 20 मीटर। मीटर जरीब में कड़ियों और छल्लों की संख्या 100। मीटर जरीब में कड़ियों के मध्य दूरी है 20 सेंटीमीटर। मीटर जरीब में भूमि का क्षेत्रफल निकालते हैं हेक्टेयर में। 1 हाथ बराबर होता है 1/2 गज के। 0.5 गज 18 इंच। उपरोक्त सभी। 1 गज बराबर होता है 36 इंच। भूमि मापने के लिए आम यंत्र है हाथ, लट्ठा, गट्ठा और कट्ठा। उपरोक्त सभी। एक लट्ठा या गट्ठा या गट्ठा या कट्ठा बराबर होता है सभी 2.5। लंबाई के शाही मात्रक हैं किलोमीटर नहीं है किलोमीटर इंच चैन फरलांग है। लंबाई के शाही मात्रक होते हैं फुट, गज, मील। उपरोक्त सभी। लंबाई के अतिरिक्त मैट्रिक मात्रक है उपरोक्त सभी किलोमीटर है हेक्टोमीटर और मीटर। मीटर उपरोक्त सभी। लंबाई का मीट्रिक मात्रक नहीं है मील। क्षेत्रफल का शाही मात्रक एकड़। क्षेत्रफल का मीट्रिक मात्रक हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में भूमि क्षेत्रफल के अन्य मात्रक हैं उन्नवासी, बीसवांशी, कचवांशी। उपरोक्त सभी। पक्का बीघा भूमि मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? शाहजहानी जरीब। भूमि का मापक यंत्र है गंटर जरीब हाथ। शाहजहानी जरीब 1 मील बराबर होता है 1760 गज के बराबर। 1 फरलांग बराबर होता है 660 फुट या 220 गज या 29,720। 1 चैन बराबर होता है 66 फुट। 1 चैन के समान 22 गज 66 फुट 792 इंच। 1 गज बराबर होता है 3 फुट होता है 36 इंच होता है 91.44 सेंटीमीटर। 1 गज बराबर होता है 0.9144 मीटर होता है। 1 मील मील में कितने मीटर होते हैं? 1 मील में कितने मीटर होते हैं? 1609 मीटर। 1 फुट में सेंटीमीटर होते हैं 12×3.8 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर होता है
इस इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। एक उनवांशी बराबर होता है 1/20 के चौवांशी के, एक का चौवांशी कितने बीसवांशी के बराबर होता है 1/20 बीसवांशी के, एक बीसवांशी कितने के बीस के बराबर होगा 1/20 बीसा, बीस बीसा या किसके बराबर है एक पक्का बीघा के, बीस बीसा एक पक्का बीघा के, एक बीसा या बीसवा बराबर होता है 1/20 पक्का बीघा, पक्का बीघा और कच्चा बीघा का अनुपात होता है 31, एक कच्चा बीघा बराबर होता है पक्का बीघा का 1/3। खसरा खतौनी में खेत का क्षेत्रफल किस मात्रक में दर्ज किया हेक्टेयर, एक एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर है 10 × 22 × 22 के वर्ग गज, एक कच्चा बीघा बराबर होता है 1008 वर्ग गज या 3 वर्ग फीट, हेक्टेयर बराबर होता है 1 मीटर में कितने गज होते हैं 1.09 गज होते हैं, एयर बराबर होगा एक एयर बराबर होगा 100 मीटर स्क्वायर यानी 120.75 वर्ग, एक हेक्टेयर बराबर होता है 120.75 वर्ग गज। एक हेक्टेयर में कितने पक्का बीघा होते हैं 3.95 पक्का बीघा होता है, एक हेक्टेयर में एकड़ होंगे 2.47 एकड़, गज ए सिकंदरी गज ए इलाही के मध्य अनुपात है 39.48 39.48 अनुपात होगा गज ए सिकंदरी व गज गज एवं इलाही के मध्य गज सिकंदरी गज इलाही के मध्य अनुपात 39.48।